ये क्लास 8 का मैथ है, आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 7B का कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये 100 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको हम दो टर्म में सॉल्व करेंगे। इसको हम कर लेंगे 100 को 10 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हमको ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप में, हम इसको कर देंगे यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, अर्थात 10 प्लस 1 माइनस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 10 माइनस 1 माइनस 5। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 1 माइनस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 10 माइनस एक्स और ये माइनस माइनस खुलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5। इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 10 और प्लस 5 है यानी कि एक्स प्लस 15, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर। इसको इवेल्युएट करना है, क्वेश्चन है हमारा 405 का स्क्वायर माइनस 395 का स्क्वायर, ये भी हमारा उसी फार्मूले में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पिछला फार्मूला इसमें यूज करेंगे हम। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी ए की जगह 405 है और बी की जगह 395 है, तो हो जाएगा हमारा 405 प्लस 395, सेकेंड ब्रैकेट में वही हो जाएगा माइनस में, अब हो जाएगा 405 और माइनस 395। आगे सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे 5 5 10 0, 9 1 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ इससे हो जाएगा हमारा 5 से 5 का 0 और यहाँ क्या है 0 से 9, अर्थात 10 से 9 गया 1 और यहाँ 3 बच गया, 3 से 3 गया 0। इसको आगे बढ़ते हैं, 800 × 10 अर्थात एक 0 बढ़ जाएगा इसमें, 8000 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इतना। 8 नंबर भी है इसमें, इसको भी इवैल्यूएट ही करना है हमको, इवैल्यूएट इसका मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन है हमारा 7.8 का स्क्वायर माइनस 2.2 का स्क्वायर, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, उसी फार्मूले पर खोल दिए इसको, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा 7.8 प्लस 2.2 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 2.2, ऐड करते हैं 8 2 10 का 0, 7 2 9 1 10, डेसिमल यहाँ आ रहा है, इनटू 7.8 में से 2.2 को माइनस करते हैं तो 8 से 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा और 7 से 2 करेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, हमारा दिख रहा है 10 × डेसिमल के बाद जितना भी जीरो होंगे हम हटा सकते हैं अगर कोई अदर डिजिट ना हो तो 10 × 5.6, ये हो जाएगा हमारा 5 6 1 0, ऐड कर दीजिए यहाँ इसका है और 1 डेसिमल यहाँ से आउट कर दीजिए, हमारा हो जाएगा 56 आंसर।